दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करते हैं, ऐसी कौन सी 10 एसेट्स हैं तो जो आपको रिच बना सकती हैं और जो आपको देखने से भी लगेगा, आपको अपने पास होने से भी फील होगा कि आप, अगर वो एसेट्स आपके पास हैं तो आप रिच हैं, आप धनवान हैं। पहले हम जानते हैं कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स वे होती हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देती हैं, शॉर्ट टर्म में आपको ट्रस्ट फील कराती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको रिटर्न देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं। पैसा एक एसेट है, पीस ऑफ माइंड एक एसेट है, नॉलेज एक एसेट है, हेल्थ गुड हेल्थ एक एसेट है, ट्रस्ट एक एसेट है, इंश्योरेंस एक एसेट है। कुछ दुविधा अगर हो जाती है आपको तब फील होता है जब आपके पास इंश्योरेंस हो। टाइम एक एसेट है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी एसेट्स ऐसी होती हैं जो आपको रिच बनाती हैं, आपको फील कराती हैं कि एसेट्स क्या होती हैं। देखिए, बिजनेस के बिना कोई भी रिच नहीं बन सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको रिच होना है तो बिजनेसमैन ही बनना पड़ेगा। हाई प्रॉफिट्स हाई रिस्क, रिस्क अगर हाई रहेगा तो प्रॉफिट्स हाई रहेंगे। देखिए, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, आप इनसे फेमिलियर हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। सभी बिजनेसमैन थे, कोई भी सैलरीड वाला बंदा नहीं था कि 9 से 5 की नौकरी कर रहा हो। कोई ऐसा आदमी नहीं था कि किसी की गुलामी कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो। अगर रिच बनना है, एसेट्स अपनी बनानी है तो बिजनेस करना होगा। बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको रिच बना सकता है। दूसरा एसेट आपका रियल एस्टेट, घर भी हो सकता है, वो दुकान भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी जो रहती है लो रहती है, पर आप जानते हैं दुकान, प्लाट, मकान, घर, कमर्शियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो भी रियल एस्टेट वाले बंदे जो हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, वो आप समझ सकते हैं कि उनकी ज़मीनें बढ़ती ही जाएंगी, कभी घटेंगी नहीं। लिक्विडिटी मानते हैं लो रहती है, उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई परेशानी भी हो सकती है। हो सकता है आपको रिटर्न थोड़े टाइम में कम मिले, पर जब रिटर्न मिलता है, आपको कई गुना रिटर्न मिलता है, आपको रिक्स टू रिचेस बना देता है, वो बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आपने लोन लेके लिया है वो, तो वो ध्यान दे के परमोटेशन कम्बिनेशन कैलकुलेशन करके आपको बिठाना पड़ेगा कि आपको कितना लोन लेके क्या रियल एस्टेट बनाना है, वो आपको पहले से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पेपर एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, इक्विटीज, ये पेपर एसेट्स हैं आपकी। आपको कितना पैसा किस में लगाना है, कितना कैश में रखना है, कितना स्टॉक्स में लगाना है, कितना इंश्योरेंस में लगाना है, कितना म्यूचुअल फंड में, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर वो होता है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिटर्न मिलेगा। जितनी आप सेफ्टी चाहते हैं, बैंक FD में करा के रखना चाहते हैं, बॉन्ड्स में रखना चाहते हैं, आपको रिटर्न उसी हिसाब से मिलेगा। इसीलिए लो रिस्क लो रिटर्न एंड नो रिस्क नो रिटर्न। आपका पैसा इन्फ्लेशन को देखते हुए नहीं बढ़ता है, आपके डिसीजन उसको बढ़ाते हैं। चौथी एसेट्स हैं कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, पल्सेस, ऑयल, ये सब कमोडिटीज हैं। स्टील, रियल एस्टेट भी कमोडिटीज में आता है। जिनका काम ही रियल एस्टेट का है, उनके लिए ईटा, बजरी, सरिया सब रियल एस्टेट में आता है, स्टील सब रियल एस्टेट में उनके पास आता है, कमोडिटी में आता है। तो ये कमोडिटीज ऐसी हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कमोडिटीज में भी कुछ ना कुछ पोर्शन अपना लगा के रखना चाहिए। कभी भी एक ही बास्केट में अपनी सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं रखनी चाहिए। आपको अगर रिटर्न चाहिए तो रिटर्न आपको ऐसे ही मिलेगा, अलग अलग जगह आपको पैसा लगा के रखना पड़ेगा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा, आपका अमीर होने का साधन बनेगा। कैश इन हैंड भी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर आपके पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कोई इमरजेंसी आन पड़ी घर पे,
इमरजेंसी अनपड़ी बिजनेस में आपके पास कैश नहीं है तो बिजनेस बैठ जाएगा। कैश इन हैंड उतना ही जरूरी है जैसे शरीर के अंदर ब्लड। अगर कैश इन हैंड रहेगा आपको उतना ही फायदा देगा जितना अच्छा है, क्योंकि कैश इन हैंड से ही सब दुनियादारी चलेगी। अभी जैसे कोरोना के दिनों में जिसके पास कैश इन हैंड था, अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, वो अपना काम चला पाए, नहीं तो मुश्किल हो गई। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ये भी आपकी एसेट है। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बगैर आपका काम चल जाएगा। जिनका काम ही मशीनरी से चलता है, गाड़ी घोड़ा और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपके आपके बिजनेस में लगी हुई है, आपकी फैक्ट्री में लगी हुई है। आपका काम ट्रांसपोर्ट का है, आपकी मशीनरी है वो। आपका काम ट्रकों का है, आपकी मशीनरी है वो। जब तक ये मशीनरी नहीं रहेगी आपको अपना फायदा नहीं दिखेगा, आप अपना काम अच्छे से नहीं करा पाएंगे। आपको खेती बाड़ी में खेती जल्दी से काटनी है, आपको मशीनें चाहिए। आपको अपना माल ट्रांसपोर्ट कराना है, आपको मशीनें चाहिए। ये मशीनरी, जनरेटर भी आपकी मशीनरी है। आपका अगर जनरेटर रेंट पे लगा हुआ है कहीं पे, आपकी मशीनरी आपको इनकम दे रही है। मशीनरी आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी टैक्सी में लगी हुई है, आपकी मशीनरी आपको रिटर्न दे रही है। तो ये एसेट्स आपको अपना सोच समझ के, आपको सोच समझ के सब तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने अपने दिमाग से कोई भी काम किया वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएगा, आपको उससे इनकम हो सकती है। जैसे लॉयर का काम है, लेजिस कॉपी राइट्स का काम है, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई दवाई बना ली, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, आपने कोई मूवी बना ली जो साइंस रिलेटेड थी, आपने उसमें अपना दिमाग सब तरीके का लगा दिया, आपने उसको कॉपीराइट में लगा दिया, लॉयल्टी में लगा दिया, तो आपको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने काम एक ही बार किया, आपने काम अपनी नॉलेज एक ही बार यूज की, पर उसका आपको सारी उम्र फायदा मिलेगा। आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई वर्डिंग लिखी, आपने कोई कविता लिखी, उसका कॉपीराइट, उसका लॉयल्टी आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। ये भी आपकी एसेट है। ब्रांड एंड गुडविल, दुनिया में धोखेदारी करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। अपनी जबान का पक्का आदमी जो होता है, अपनी गुडविल जो बनाता है, अपने नाम को जो आगे लेके जाता है, अपने नाम को, परिवार के नाम को, बहुत कम लोग होते हैं। उन्हीं के दम पे दुनिया चल रही है। अमेजोन ब्रांड है, गुडविल है, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, टाटा, बिरला सब ब्रांड है, सब गुडविल के मालिक हैं। सभी ने अपना ट्रस्ट पब्लिक का बनाया, अपने आप में ट्रस्ट बनाया, तभी पब्लिक उनके नाम पे विश्वास रखती है। सरकारी बैंक, अपना नाम है सरकार का, तभी पब्लिक जुड़ी रहती है उनके साथ। इनका फायदा आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है। पीपल, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपका जिन पे ट्रस्ट है, आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कीजिए, वो आपकी एसेट्स हैं। आपके एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ाइए, आप अपने एम्प्लॉयज का ट्रस्ट गेन करिए, उनका इंश्योरेंस करा के रखिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखिए। पीपल जो है, आपको आपका काम जो है मशीनरी नहीं चला रही है, आपका काम मशीनरी के साथ साथ वो लोग चला रहे हैं जो मशीनरी को चलाते हैं। और सबसे बड़ा कंटेंट है, दसवां जो एसेट है वो है कंटेंट। आपने जो भी कभी कुछ भी कर दिया, आपको उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे जो आप काम कर रहे हैं, आपने जो मूवी बना दी, आपने जो गाना लिख दिया, आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया, आपने कुछ बुक लिख दी, आपने वो कंटेंट जो बनाया वो लाइफ लॉन्ग कंटेंट रहेगा आपका। आपका वो कंटेंट आप ही की बेनिफिट में काम आएगा, लाइफ लॉन्ग आपको इनकम देगा वो। तो ऐसा ही दोस्तों, ऐसे ही एसेट्स बनाइए जो आपको लाइफ लॉन्ग फायदा दे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।